साथियों, मैं इस टाइम हूँ जंगल में और ये देख सकते हैं, ये इनकी बकरी है जो बाइक से लेके आए हैं। बहुत तेज़ स्पीड पे पूरा गंदा कर दिया इन्होंने मुझे। और यहाँ पर हम एक गॉड बीमार है इनकी, जिसको हम देखने वाले हैं। ये लोकेशन आप देख सकते हैं, मौसम ख़राब है और ऐसी स्थिति में मुझे हर जगह देखने पड़ रहे हैं जानवर। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। कहाँ चल रही हैं बकरियाँ? तो गाइस देख सकते हैं, मौसम काफ़ी गंभीर है और चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। और इस टाइम मैं हूँ एक बिल्कुल जंगल में, और ऐसे में ओनर ने हमसे संपर्क किया था कि बकरियाँ हमारी चल रही हैं और वहीं पर एक गोट ऐसी है जो इनकी बीमार चल रही है। अब देख के पता चलेगा। इन्होंने बोला कि उसके कान में बहुत ज़्यादा जख्म हो रखा है और कई दिन से परेशान है, लेकिन डीपली हमें वहीं जाकर देखकर पता पड़ेगा। काफ़ी दूर चल रहा, मौसम बहुत दीवाना हो रहा है। ज़्यादा हम लोग रनिंग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि हमें हर जगह ट्रैवल करना होता है। कहाँ चल रहा है भाई काम? बाइक हम या कार टू कार बिल्कुल एज लोकेशन पर लगाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो वॉक करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है हेल्थ मेंटेनेंस रहती है। तो साथ ही हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर देखनी है। देख सकते हैं बाइक कितनी दूर खड़ी है, और यहाँ पर हम आ गए हैं गौर देखने के लिए। और ये भीड़ है जो चल रही है आसपास, और ऐसे में इस मौसम में वैक्सीनेट कराना पशु को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि PPR और एंट्रोटॉक्सीमिया बहुत ज़्यादा बकरियों में हावी होने वाला है। तो समय से पहले डिवॉर्मिंग और एंट्रोटॉक्सीमिया और PPR की वैक्सीनेट आप ज़रूर कराएं, क्योंकि दोनों बीमारी ऐसी हैं कि बिन बताए आते हैं। और एंट्रोटॉक्सीमिया तो ऐसा है कि कोई समय भी नहीं देता और अचानक से पशु की डेथ हो जाती है। तो एंटोटॉक्सीमिया की वैक्सीनेट करें पहले, और उसके बाद PPR की भी। फंगल इन्फेक्शन, अच्छा जी फंगल इन्फेक्शन है। ये सब मवाद वगैरह कुछ तो नहीं आ रहा है? सर आया तो ना बल्लू कई दिन से कई दिन हो गए। क्या लगाया? पाउडर वाला इंजेक्शन के ही आते हैं। नाम तो बताओ मुझे। 40 लाख। 40 लाख लगाया। कितने दिन? 2 दिन। एक दिन में सुखा दे। तो कितना? 40 लाख में 2.5 ग्राम आता है, कितना पूरा वायर लगा दे? 1 ml। तो साथियों, इस बकरी का जो ओनर है, इन्होंने इलाज किया, 40 लाख इसमें इंजेक्शन लगाया, और ये 4 मंथ की प्रेगनेंट है। और ये इंजेक्शन मैं बिल्कुल सेफली नहीं मानूंगा। यहाँ पर जो हमने इसको दिया है वो अमोक्सिरम फोर्ट लगाया है इसको 500 mg, और साथ ही साथ इसको मैंने हाईटेक दिया है और CPM दिया है। ये तीनों इंजेक्शन हमने इसको लगाए हैं, और अमोक्सिरम फोर्ट कंटिन्यूसली 3 दिन तक रिपीट करना है, जो कि प्रेगनेंसी सेफ है। हाईटेक सिर्फ एक बार आपने लगाना है। और यहाँ पर देखा गया तो ये जो इसको डिजीज़ है, ये फंगल इन्फेक्शन है, जो बहुत ज़्यादा बकरियों में या बकरों में देखने को मिल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में बिना नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श लिए, बिना आप खुद से इलाज ना करें, इससे बहुत ज़्यादा गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। नज़दीकी डॉक्टर की देखरेख में ही ऐसे पशु का आप उपचार कराएं, क्योंकि प्रेगनेंसी भी पशु की देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आशा करता हूँ फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आप अपने बाड़े में साफ़ सफाई रखें और कलाई का छिड़काव रखें, और सही समय पर आप अपने पशुओं का टीकाकरण कराएं। मौसम काफ़ी शानदार है, देख सकते हैं, और हर मोमेंट का हम लुत्फ उठा रहे हैं, और काफ़ी मज़ा भी आया इस ट्रीटमेंट को लेकर, और जितना हम फील्ड में घूमे भी हैं। तो साथियों, आपको मैं नए से नए ब्लॉग अपडेट करता रहूँगा। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मेरे चैनल को आप प्यार देते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पर। शुक्रिया।